नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सिक्स क्लास। तो ये 15 तारीख की वर्कशीट है और ये वर्कशीट काफी मैं लेट दे रहा हूँ, मुझे पता है। अब जाने दो, जो पर्सनल पर्सनल पर्सनली रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों जो कमेंट्स आ रहे सर आप जरूर दीजिए दीजिए। तो आप लोगों जो कमेंट्स आ रहे थे, बस इस वजह से मैं लेट होने के बावजूद भी ले आया। लेकिन नेक्स्ट वीक से, इस वीक भी ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए से समझाते हुए चलूंगा। क्योंकि आपका जो ये भी आ रहा है ना बच्चों, मैंने सिलेबस तो अपलोड कर दिया था, ठीक है, लेकिन अब जो आपका अध्याय 4 और 5 से रसायनिक विज्ञान, ठीक है, तो काफी जो वर्कशीट दे रहे हैं, आप करो ना करो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपको समझना है तो समझाते हुए मैं नेक्स्ट वीक से पक्का चलूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिलहाल इस वाले का जो भी है उस प्रकार देख लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर है, मैं बस वो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीक तो नहीं पा जा रहे बच्चों, नेक्स्ट वीक से पक्का मैं समझाते हुआ चलूंगा। और हाँ, वर्कशीट को ध्यान से करते रहिएगा। देखिए टर्म 2 का जो है प्राकृतिक व्यवहार, ठीक है, कार्बन तथा इसके यौगिक वाला, मेरे ख्याल से आपके वर्कशीट में कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, लेकिन जो वर्कशीट आप कह रहे तत्व को वर्गीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तत्वों के वर्गीकरण प्रारंभ कौन सा था, डायमेट्रिक और न्यूजीलैंड पढ़ लेता हूँ, न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत, ये हम कर चुके हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो ये वाला था, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके बाद और भी देखो, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणधर्म, आवृत्ता, संयुक्ता, परमाणु, धात्विक, इसके मेरे ख्याल से 1 से 2 और वर्कशीट आनी चाहिए, ठीक है, फिर आपका ये जो 5वां चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्कशीट मैं ये नहीं कहूंगा फोर्सफुली प्यारे बच्चों करो, लेकिन अगर आपको पार्ट और चैप्टर समझते हुए चलना है हाँ, तो आप मेरी वीडियो जरूर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्कशीट का जो बच्चे प्यारे बच्चे बच्चे करते हैं, उनके लिए तो आंसर भी तो बताना जरूरी होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो 1 का आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरफ से क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन नंबर 46, मेंडल को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, इन्होंने तत्वों के गुणधर्म के उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, ठीक है। फिर इसे क्वेश्चन नंबर 2 उसमें दूसरा है, मेंडेलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार से ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उनके समय तक ज्ञात नहीं थे, यही इनकी खासियत बात थी, ठीक है। इन तत्वों के नाम लिखिए, वह ये भी बताइए कि इनके क्या नाम दिए गए, मतलब कि इन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ दिए। तो प्यारे बच्चों देखो, कोई दूसरे का आंसर मैंने इस प्रकार से लिख दिया, अनुमानित तत्व, इन्होंने एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इन्होंने पहले नाम रखा था, उस टाइम पे ये तत्व खोज नहीं गए थे, अपने मन से इन्होंने नाम रख दिया, लेकिन बाद में जब ये तत्व खोजे गए और अपने सही क्रम में आए तो इनका नाम स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम रखा गया। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे तीसरा और चौथा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तीसरा मैंने तो कहीं आप लिखा वर्कशीट में ही है इसका आंसर, तो फिर ठीक है, तो मैंने वर्षिच में ही रहने दिया इसका आंसर। क्वेश्चन किया मेंडेली की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या है, तो प्यारे बच्चे देखो उपलब्धियां और सीमाएं, और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ देखो मेंडेली की आवर्त सारणी देखो इसमें नहीं दिया है, लेकिन इनकी उपलब्धियां जरूर पूछता है, ठीक है। उपलब्धियां क्या थी प्यारे बच्चों, खास बात पहला ही वाली उपलब्धियां याद कर लिए, देखो पहली उपलब्धि ये रही है, दूसरी उपलब्धि ये रही है, ठीक है, तीसरी उपलब्धि अवधि, बस आप ऊपर ऊपर वाली लाइन भी लिखेंगे तभी भी सही हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर उत्तर नंबर 3 था, ये उत्तर आपका 3 का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का सारणी की सीमाएं क्या थी, तो सीमाएं देखो यहीं पे थी, सीमाएं भी इन्होंने दे रखा है, सीमाएं आप यहाँ सीमा नंबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और सीमाएं नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर और तीसरा है, ठीक है, यहाँ से आपका तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी, अरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ही तो था, देख लो क्या हो रहा है, उत्तर 4, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर 4 हो जाता है प्यारे बच्चों, मैंने उत्तर 4 भी लिखा है वर्कशीट में, ठीक है प्यारे बच्चों, चीज को समझोगे और याद रखना, हम जो भी मैं चीजें बताऊंगा आपको आपके सिलेबस के अनुसार चल रहा है, मैं वर्कशीट पे कम लेकिन आपके सिलेबस फोकस करता हुआ चलूंगा, नेक्स्ट वीक से अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं सभी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।